नमस्कार दोस्तों, हम लोगों की टेस्ट सीरीज चल रही थी और GS जीके के लिए, जीके की, और ये UPPCS, स्टेट टेबल PCS और RO ARO, लोअर सबॉर्डिनेट, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस, ठीक है। और दोस्तों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग रिवीजन ज़रूर करते रहिएगा, और जैसे आंसर कुछ ज़्यादा जल्दी लगे तो आप लोग पॉज कर लिया करिए, और करने के बाद तब अटेम्प्ट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। और अटेम्प्ट करने के बाद आप लोग चाहें तो कमेंट बॉक्स अपने मार्क्स भी बता सकते हैं, ठीक है, आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, महावीर ने अपने अनुयायियों को कितने गणों में विभाजित किया था? महावीर ने अपने अनुयायियों को कितने गणों में विभाजित किया था? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। पहले नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, महावीर जी ने अपने अनुयायियों को 11 गणों या समूहों में विभाजित किया था, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? ऑप्शन ए 1560 में, ऑप्शन बी 1565 में, ऑप्शन सी 1580 में, ऑप्शन डी 1586 में, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी 1586 में, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, सेंट थोमे का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तीसरे नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए प्रथम कर्नाटक युद्ध से संबंधित है, ठीक है, सेंट थोमे का युद्ध। चलिए अगला देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, अवध किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 1920, 1919, 1921, 1922। तो चौथे नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी 1920 में अवध किसान सभा का गठन किया गया था, प्रतापगढ़ जिले में, यूपी में, ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का संरक्षण करना किस अनुच्छेद के तहत आता है? चार आर्टिकल दिए हुए हैं, देखिए कौन सा सही हो सकता है। ऑप्शन ए 48, अनुच्छेद 48, आर्टिकल 48, आर्टिकल 49, 50, 51। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। पांचवें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 49 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का संरक्षण करना आता है, ठीक है। आगे देखते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति में सदस्यों की संख्या सर्वाधिक होती है? चार समितियां दी हुई हैं, ए बी सी डी, लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, विभागीय लो ये विभागीय विभागीय दो बार हो गया है दोस्तों, इसको लोक उपक्रम समिति कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। सिक्स नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी प्राकलन समिति में एस्टिमेट कमेटी में सबसे ज़्यादा मेंबर 30 होते हैं, ठीक है, और 30ों के 30ों लोकसभा से होते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया? 52वां, 68वां, 65वां और 70वां। कौन सा संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया? तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। सातवें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी 65, 65th अमेंडमेंट के तहत अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण किस अनुच्छेद में है? चार अनुच्छेद दिए हुए हैं, ए बी सी डी, अनुच्छेद 323 ए और ऑप्शन बी, आर्टिकल 326,
ऑप्शन सी अनुच्छेद 324 सी, ऑप्शन डी अनुच्छेद 346। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। आठवें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए 323 ए के तहत केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण आता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, नौवां नंबर क्वेश्चन। सार्गेसम घास किस सागर में पाई जाती है? अरल सागर, काला सागर, सार्गेसो सागर और लाल सागर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। नवे नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी सार्गेसो सागर में सार्गेसम घास पाई जाती है, ठीक है, जो कि उत्तरी अटलांटिक में है। दसवां नंबर क्वेश्चन, फुलानी जनजाति कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, पूर्व अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। दसवें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए पश्चिमी अफ्रीका में फुलानी जनजाति पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं, ग्यारहवां नंबर क्वेश्चन, टॉगस नदी किस देश में बहती है? फ्रांस में, पुर्तगाल में, यूएसए में, जर्मनी में। तो देखिए चार ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। टॉगस नदी किस देश में बहती है? ग्यारहवें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी पुर्तगाल, स्पेन, पुर्तगाल में बहती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं, बारहवां नंबर क्वेश्चन, कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? आपको बताना है कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है। ऑप्शन ए जुआरी नदी, ऑप्शन बी पेरियार नदी, ऑप्शन सी पंबा नदी, ऑप्शन डी तेल नदी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 12 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी तेल नदी जो है पश्चिम की ओर नहीं बहती है, पूरब की ओर बहती है। ठीक है, तो इसलिए और बाकी तीनों नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, जिसमें नर्मदा और ताप्ती भी है, ठीक है, मांडवी नदी भी है। सॉरी, चलिए अगला देखते हैं, 13वां नंबर क्वेश्चन, 10वीं पंचवर्षीय योजना का जीडीपी वार्षिक लक्ष्य कितना रखा गया था? ऑप्शन ए 7.2%, ऑप्शन बी 8%, ऑप्शन सी 8.5%, ऑप्शन डी 9%। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 13वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी 10वीं पंचवर्षीय योजना का जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य जो रखा गया था वो 8% रखा गया था, 8%। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन, अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष शुरू की गई? 1999, 2010, 1995, ऑप्शन डी 2000। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 14वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी अन्नपूर्णा योजना वर्ष 2000 में शुरू की गई। 15 नंबर क्वेश्चन, इंदिरा आवास योजना किस वर्ष शुरू की गई? ऑप्शन ए 1980-81, ऑप्शन बी 1982-83, ऑप्शन सी 1985-86, ऑप्शन डी 1987-88। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 15वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी 1985-86 में इंदिरा आवास योजना स्टार्ट की गई थी। चलिए आगे देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जिसको यूटीआई भी बोलते हैं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1960 में, 64 में, 68 में या 1974 में। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 16 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी 1964 में यूटीआई की स्थापना हुई थी। 17 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को किससे मापते हैं? ऑप्शन ए बैरोमीटर से, ऑप्शन बी बैरोग्राफ से, ऑप्शन सी एनीमोमीटर से, ऑप्शन डी अमीटर से। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी बैरोग्राफ से वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापते हैं, बैरोग्राफ से। ठीक है, बैरोमीटर से केवल आपका दाब मापा जाता है, ठीक है, ये दोनों डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन,
चिंपैंजी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 24, 34, 40, 48। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 18 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, चिंपैंजी में 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, एथलीट फुट बीमारी या रोग किस कवक के कारण होता है? टीनिया पेडिस, एकेरस, टीनिया कैपिटिस या लेस कोयस या लेस कोसाई, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? देखिए ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं। 19 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, टीनिया पेडिस रोग जो होता है वो टीनिया पेडिस कवक के कारण एथलीट फुट बीमारी होती है। ठीक है, 20वां नंबर क्वेश्चन, पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बटूर। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 20वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु में पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र स्थित है। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, ये आज की टेस्ट सीरीज समाप्त हो गई। और दोस्तों आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है आप लोग जरूर बताइए। ठीक है, और लाइक और शेयर जरूर करें जिससे दूसरे लोगों को भी इससे फ़ायदा मिले। चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।